चलो देखते हैं हम कितना ऊंचा जा सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई जाना है, ऊंचा जाना। ओके 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 ओके, बादलों के ऊपर आगे। और ओ गॉड, ये देखो, ओए बादलों को बिल्कुल ऊपर आगे, नजर भी कुछ भी नहीं आ रहा। हम कहाँ पहुँच गए, मैं नीचे कैसे जाऊँगा। तो मैं आ गया एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम खेलेंगे माइनक्राफ्ट का वो मोड जिसमें हम पैराशूट से उतरने वाले हैं, और यही नहीं, हम हवा में पैरा ग्लाइडिंग करने वाले हैं। मुझे यकीन है तुमने ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा, लेकिन आज तुम देखने वाले हो, यानी कि हवा में पैराशूट से उतरेंगे और हवा में पैरा ग्लाइडिंग भी करेंगे। तो वीडियो को कम्प्लीट देखो, क्योंकि आज तुम बहुत कुछ स्पेशल देखने वाले हो। तो सबसे पहले ना, हमें क्या चाहिए, हमें लकड़ी काटनी होगी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बनाना है, यानी कि मुझे बनाना पड़ेगा ग्राफ्टिंग टेबल, और मुझे कुछ हथियार भी चाहिए। तो मुझे लगता है इतने फ़िलहाल काफ़ी हैं। तो अभी देखो हमें क्या करना है कि यहाँ से प्लैंक्स उठाने हैं, और फिर यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल उठाना पड़ेगा। तो ये हमने उठा लिया, तो स्टिक तो हमारे पास मिल गए, थोड़े से और लकड़ी मिल जाएंगे तो हम बाकी चीज़ें भी बना पाएंगे। तो इतने काफ़ी हैं, अब इससे मेरे ख्याल में बन जाएगा। तो इतने लकड़ी काफ़ी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए प्लैंक्स, तो यहाँ से हम प्लैंक्स ले लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें हथियार बनाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ से बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ से मैं एक्स उठा लेता हूँ। अब हमें पिकेक्स चाहिए, तो पिकेक्स क्यों नहीं बन रहा, अच्छा तो हमारे प्लैंक्स ख़त्म हो गए हैं। तो वापस से प्लैंक्स बनाते हैं, और भी प्लैंक्स बनाते हैं। तो इतने काफ़ी हैं, अब हम हथियार बना सकते हैं। तो जैसे कि हम पिकेक्स यहाँ से बनाएंगे, तो एक्स बना लिया, पिकेक्स बना लिया, और ये शॉवल बना लिया, ठीक है। और अब हमें एक तलवार भी चाहिए ताकि हम वूल इकट्ठा कर सकें। तो मुझे ना पैराशूट और पैराग्लाइडर के लिए वूल चाहिए, और वूल के लिए मुझे भैंस ढूंढने पड़ेंगे, यानी कि हमें शीप ढूंढना पड़ेगा। तो वहाँ पे शीप हैं पहले से, तो चलो इनको मारते हैं। सॉरी सर। तो ये एक वूल मिल गया, ये यहाँ से दो वूल मिल गए मुझे, आई थिंक, हाँ ठीक है, टू वूल मिल गए मुझे। तो यहाँ से मुझे थ्री वूल मिल गए, मुझे कम से कम मिनिमम मुझे सेवन चाहिए। तो वूल के बाद अब हमें चाहिए लेदर, लेदर के लिए हमें काऊ को मारना पड़ेगा। तो सर प्लीज़ सर, एक बार वूल लेने दो, वूल नहीं लेदर लेने दो, लेदर चाहिए। ओके, तो एक मिल गया, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा, हमें मिनिमम थ्री या फोर चाहिए, फोर भी नहीं, थ्री या टू। अरे सर आपको नहीं मारूंगा, बेबी हो आप, आपको मैं कैसे मार सकता हूँ, आप कितने क्यूट हो ना। तो वूल को कलरफुल करने के लिए हमें यहाँ से फ्लावर चाहिए, कलरफुल फ्लावर चाहिए। तो मैं यहाँ से ब्लू कलर ले रहा हूँ, इससे क्या होगा कि हमारा पैराशूट है या पैराग्लाइडर है ना, उसका हम कलर चेंज कर सकते हैं अभी ना। ओ हो, रेड फ्लावर, ठीक है। हम एक काम कर सकते हैं कि एक तो हम पैराशूट को ब्लू बनाएंगे, और पैराग्लाइडर को हम रेड बनाएंगे, वाओ मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ से रेड डाई उठा लो, यहाँ से ब्लू, और यहाँ से येलो, ठीक है। तो मिल गया, अब देखो हमारे पास ब्लू येलो तीनों हो जाते हैं। तो एक मिनट, मैं सबसे पहले रेड उठा लेता हूँ, तो रेड हम उठा लेते हैं, हमें रेड भी कम से कम थ्री बनाने पड़ेंगे, तो टू हो गए, एक और भी रेड चाहिए मुझे, तो ये हो गए थ्री, सही है। हमें वापस से वूल इकट्ठा करने पड़ेंगे यार, चलो कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास शीप हैं काफ़ी आसपास, तो किसी को मार लेंगे। अभी ना मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक केव ढूंढ रहा हूँ जो कि हमें मिली थी, वहाँ पे मुझे जाना है। ओ हो, ये वाली जगह। तो मुझे नीचे जाना होगा, मुझे रेड स्टोन भी चाहिए यार, रेड स्टोन के लिए मुझे नीचे जाना होगा, और स्पाइडर भी चाहिए मुझे, स्ट्रिंग के लिए मुझे स्पाइडर चाहिए, तो वो भी मुझे ढूंढने पड़ेंगे। तो मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मैंने कोल इकट्ठा कर लिया ताकि मैं टॉर्चेस बना सकूँ, और टॉर्चेस वैसे यहाँ पे भी कोल पड़ा हुआ है, लेकिन ओहो बहुत डरावनी जगह है, यहाँ से हम टॉर्चेस ले लेते हैं। और हाँ, हमें और भी कोल चाहिए, क्योंकि मुझे फर्नांस को भी ओपन करना पड़ेगा। अभी मुझे पानी की आवाज़ आ रही है, मतलब हम बहुत नीचे आ गए, और पानी की आवाज़ आए तो मतलब हम एक केव में पहुंचने वाले हैं। ओके, लावा नज़र आए, अभी पानी नहीं है, लावा है ये, ठीक है। ओके, वहाँ पे देखो डायमंड है वहाँ पे, वैसे डायमंड हमारे किसी काम का नहीं है अभी तो, लेकिन वैसे भी हम कोई हथियार वगैरह बना सकते हैं, तो ठीक है, वो डायमंड तो लेंगे, लेकिन हमें रेड स्टोन चाहिए हमें। तो चलो दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पे तो हम नहीं जा सकते, ठीक है। ओके, पहुंच गया।
तो देखो हम डायमंड को भी अभी उठा नहीं सकते, डायमंड को उठाने के लिए हमें आयरन का वो बनाना पड़ेगा, यानी कि आयरन की हथियार बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे एक फर्नास बनाना पड़ेगा, फर्नास के लिए मुझे एक क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा, और क्राफ्टिंग टेबल को हमें रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम यहाँ से फर्नास बना सकते हैं, तो ये मिल गया हमें फर्नास, और हमारे पास कोल पड़ा हुआ है तो हम इसको एक्टिव भी कर सकते हैं। और यहाँ से ना मैं आयरन को उठाता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, तो हमारे पास आयरन वाली चीज़ें आ जाएंगी और हम फिर डायमंड की चीज़ को भी उठा सकते हैं। ओ एक मिनट, नीचे देखो, नीचे ओह गॉड, नीचे हमारा वो पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, रेड स्टोन पड़ा हुआ है। तो इस रेड स्टोन को अभी नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास आयरन की तलवार नहीं है या फिर डायमंड की तलवार नहीं है, वो तलवार नहीं, पिकेक्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो चलो वो भी बन जाएगा जब हमारे फर्नास में से आयरन हमारा निकल आएगा। अभी यहाँ से ये स्टिक मिल गई, अब हमें मिल जाएगा पिकेक्स, तो पिकेक्स ओके पिकेक्स मिल गया हमें, तो पिकेक्स ही हमें चाहिए और कुछ भी ज़रूरत नहीं है हमें, तो पिकेक्स मिल गया। तो अब हम एक काम कर सकते हैं कि हम रेड स्टोन ले सकते हैं, ठीक है। रेड स्टोन कहाँ है, अबे यार यहाँ पे रेड स्टोन नहीं, ओहो वो अच्छा ये मिल गया। तो रेड स्टोन दो पड़ी हैं, ठीक है, टू यानी फोर हमें कितने मिले, 8 मिल गए, वाओ। अब देखो रेड स्टोन के बाद हम ये डायमंड भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास आयरन की पिकेक्स है। रात है और मुझे ना अब स्पाइडर से लड़ना है, तो मुझे एक काम करना होगा कि हथियार बनाना होगा, वो भी मुझे डायमंड की हथियार बनानी होगी। ओके, तलवार मिल गई ना हमें, अब हम स्पाइडर से लड़ के उनका स्ट्रिंग ले सकते हैं, और स्ट्रिंग मिल गया तो हमारा पैराशूटों वाले सारे काम हो जाएंगे। तो वहाँ पे एक स्पाइडर है, वहाँ पे स्पाइडर, आ जा बेटा। ओके, हमें स्ट्रिंग मिल गया, कितने, 2 मिल गए स्ट्रिंग, हमें ऐसा ये 2 स्ट्रिंग और भी चाहिए। तो वहाँ पे भी एक स्पाइडर है, कहाँ गया, अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये नहीं यार, ओ गॉड। तो ठीक है जल्दी से सो जाते हैं यार हमें, अरे नहीं यार ये भी कहाँ से आ गया। तो सामान था इस साइड कहीं था, ओके वो पड़ा हुआ सामान हमारा, ठीक है। तो वहाँ से सामान सारा उठा लेते हैं, तो ये मिल गया अंडा हमारा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से सामान मिल गया हमें, ओके तो सामान मिल गया हमें, तो यहाँ पे एक स्पाइड, ओके दो से काम चल जाएगा, ठीक है दो ही चाहिए, दो या एक से भी काम चल जाएगा, लेकिन दो भी मिल गए तो ठीक है। अब बस ये मरना चाहिए, बस मर गए, अरे मेरी पावर जा रही है, जल्दी मर जाओ यार, क्या कर रहे हो पागल। एक तो गया, बस टूट हो गया। यार ये क्रीपर कहाँ से आ रहे हैं, ओ गॉड यार ये क्या, मेरे पीछे क्रीपर पड़े हुए हैं यार, क्या है यार क्रीपर इतने पीछे क्यों पड़े हुए मेरे। ठीक है सो जाते हैं वापस से, ओ गॉड। अब हमें सामान ढूंढना पड़ेगा वापस से हमें, अरे नहीं फिर से क्रीपर क्यों, ओ गॉड फिर से हमारा सामान बिखर गया। तो यहाँ पे हमारा सारा सामान पड़ा हुआ, तो हमारा फाइनली हमारा सारा सामान हो गया है, अब हम पैरा ग्लाइडर और पैराशूट दोनों के दोनों बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें ना यहाँ पे 3 रखने पड़ेंगे वूल, और 3 हाँ 3 ही रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग रखने पड़ेंगे और एक लेदर रखना पड़ेगा, तो ये मिल गया हमें पैराशूट, वाओ पैराशूट मिल गया ना, ठीक है। तो ये पैराशूट मिल गया, इसी तरह हमें पैरा ग्लाइडर भी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी 3 वूल रखने पड़ेंगे और 2 स्ट्रिंग रखने पड़ेंगे, और बीच में हमें रेड स्टोन रखना पड़ेगा और एक लेदर रखना पड़ेगा। तो ये मिल गया हमें पैरा ग्लाइडर, वाओ यार फाइनली। तो ठीक है यार हमारा सारा सामान हो गया, सामान नहीं यार हमारा सारा काम हो गया। तो मैं जा रहा हूँ एक ऊंची जगह पे जहाँ से हम जंप कर पाएँ, और फिर पैराशूट और पैरा ग्लाइडर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं, और अंदर मुझे नहीं जाना, वैसे भी अंदर हमारे पास जाने का या कोई, ओके वहाँ देखो एक क्रीपर है, उससे भी पंगा नहीं लेना मुझे, अभी मुझे मरना नहीं है। और मैं बेड लाना भूल गया यार, बेड भी मुझे लाना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं हम बना लेंगे, हमारे पास एक वूल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ओके तो एक काम करते हैं कि हम ना यहीं कहीं से जंप करते हैं, इससे ज़्यादा ऊंची जगह नहीं हो सकती आसपास। ओके यहाँ से जंप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको और भी ऊंचा करना है, जितना भी ज़्यादा ऊंचाई से हम जंप मारेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। जंप मारने से पहले मैं एक काम करता हूँ, चेस्ट में अपना बाकी सामान रख देता हूँ, ये ना हो कि मैं जंप मारूं और पैराशूट खुले ही ना, और मैं अपना सारा सामान खो दूं, तो और मेरी सारी मेहनत चली जाए। तो ठीक है
हमारा जो काम का नहीं है वो मैं सारा का सारा रख देता हूँ इस चेस के अंदर। तो चलो यार जम मारते हैं, तैयार हो जाओ भाई। तो ये जम मारा, ओ पैराशूट खुल गया, ओके पैराशूट खुल गया। कितना प्यारा लग रहा है इधर, ओ पीछे बैग भी है यार ये देखो। हेलो सर कैसे हो, कितना क्यूट लग रहा हूँ मैं। ओ माय गॉड ये तो सीधा नीचे आ रहा है, हमें आगे भी जाना है, आगे भी जाना है यार। अरे आगे कैसे जाएंगे, आगे आगे, ओके ओके आगे वाले बटन को दबाना है यार और कुछ भी नहीं करना। और ये देखो हो ये देखो है ना मजे की चीज़। पैराशूट में उड़ने का अपना ही मजा है यार, ये देखो वाओ यार वाओ। ओह माय गॉड ये टांगे भी खोलता है। ये देखो टांगे भी खोल रहा है। अरे यार मजा आ गया। अब इसी तरह हमें पैराग्लाइडर को भी ओपन करना पड़ेगा और पैराग्लाइडर में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि वो हम ऊंचाई में भी उसको लेके जा सकते हैं, उसको घुमा भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो हम जंप करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये देखो बैग भी आ गया, ठीक है अब पैराग्लाइडर के लिए रेडी हो गया। वाओ ओहो ये देखो, अब देखो ये भी पैराशूट की तरह लग रहा है लेकिन इसका साइज थोड़ा बड़ा है और मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, देखा तुमने मैं उड़ भी सकता हूँ, यानी कि ऊपर नीचे सब जगह जा सकता हूँ मैं। वाओ यार ये देखो मज़ा आ रहा है, ये जितना भी नीचे आने लगे हम वापस उड़ने लगेंगे ऊपर। चलो देखते हैं हम कितना ऊंचा जा सकते हैं, ठीक है ऊंचाई जाना है, ऊंचा जाना। ओके बादलों के ऊपर आ गए, और ओ गॉड ये देखो, ओए बादलों के बिल्कुल ऊपर आ गए, नज़र भी कुछ भी नहीं आ रहा, हम कहाँ पहुँच गए, मैं नीचे कैसे जाऊँगा। चलो नीचे उतरने में बहुत टाइम लगेगा यार, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चलो नीचे चलो, नज़र भी कुछ नहीं आ रहा। ओ माय गॉड नज़र कुछ नहीं आ रहा, देखो बहुत ज़्यादा स्लो नीचे आ रहा हूँ यार। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तुम कमेंट्स करके बताओ तुम्हें मज़ा आया कि नहीं आया। और हाँ यार वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल IIM खलील को और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और हाँ यार मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ तो मेरी तस्वीरें भी वहाँ पे देख सकते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो ठीक है यार आज के लिए इतना ही, बाय।